फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे प्लांट मैं सिलेक्ट करके आपके साथ शेयर करने के लिए लेके आई हूँ जो कि हार्डी है, प्लस सस्ते हैं, प्लस हीट टॉलरेट करने वाले प्लांट है और साथ ही साथ बिगनर्स इन्हें बहुत ही ईजिली ग्रो कर सकेंगे। सीड्स के द्वारा ग्रो हो जाएंगे, कटिंग के द्वारा ये पौधे ग्रो हो जाएंगे, रूट डिवाइड करके भी इन्हें आप ग्रो कर सकते हैं। यानी ऑलराउंडर प्लांट मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो लगभग 10 पौधे मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करिए, और अगर मेरे चैनल में आज पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और जो प्लांट लिस्ट मैं लेके आई हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए, उसके बारे में बात करते हैं जिससे कि हर कोई इस प्लांट को बहुत बहुत आसानी से ग्रो कर सके। तो फ्रेंड्स, इनमें से सबसे पहला जो प्लांट है वो है फ्रेंड्स कोलियस। कोलियस एक कलरफुल पत्ती वाला प्लांट है, बहुत ही सुंदर सुंदर कलर इसमें आते हैं और कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। गार्डन में काफ़ी सारा कलर इससे ऐड होता है। अगर आप इंडोर इसे ग्रो करना चाहते हैं तो आप बालकनी में इसे ग्रो कर सकते हैं, जहां एक आध घंटे की धूप आती हो और पूरे दिन की ब्राइट लाइट रहती हो। एकदम से शेडी एरिया में कोलियस ग्रो नहीं होता है। इसे कटिंग से आप बहुत ही आसानी से प्रोपगेट भी कर सकते हैं और टाइम टाइम पर आप इसे कटिंग से ग्रो करते रहिए तो आपके गार्डन में कोलियस हमेशा बना रहेगा। तो फर्स्ट प्लांट है ये कोलियस। नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स ये मॉस रोज। मॉस रोज की जो देसी वाली वेराइटी होती है, मैं इसकी बात कर रही हूँ। ये देसी वाली वेराइटी है, पूरे साल आपके गार्डन में रहेगा। कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाती है, इतनी छोटी छोटी कटिंग भी इसकी लग जाती है। एक पौधा अगर आप लेके आते हैं तो समय के साथ आप हज़ारों पौधे उसके बना सकेंगे। जो हाइब्रिड वाले प्लांट होते हैं उसमें सीड्स बनते हैं, वो भी कटिंग से लगता है और सीड से भी ग्रो होता है, बट वो विंटर सीजन में ख़राब हो जाता है, मर जाता है। ज़्यादातर तो ज़्यादा जब बारिश होने लगती है लगातार कई कई दिनों तक, तब भी वो प्लांट ख़राब हो जाता है। बट ये जो देसी वेराइटी आप देख रहे हैं, तो ये जो देसी वाला वेराइटी है ये बहुत ही हार्डी होता है, बहुत ही इजी टू ग्रो होता है। कैसे भी आप इसे रख लीजिए, कैसे भी आप इसे ग्रो कर लीजिए, कैसी भी मिट्टी में आप इसे लगा लीजिए, ये बहुत ही आसानी से चलता है। हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और पॉट में भी लगा सकते हैं। थर्ड नंबर में फ्रेंड्स जो प्लांट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है फ्रेंड्स ये वॉन्डरिंग ज्यू। वॉन्डरिंग ज्यू भी बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। एक छोटी सी स्टेम अगर आप कहीं से भी कलेक्ट करके लेके आते हैं और लगा लेते हैं तो उसके बाद ये आपके गार्डन में हमेशा बना रहता है। कटिंग के द्वारा आप टाइम टाइम पे इसे ग्रो कर सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, पॉट में भी लगा सकते हैं, बट हैंगिंग बास्केट में ज़्यादा सुंदर लगता है। इसमें ध्यान इतना रखना होता है कि इसमें पानी कम देना है, क्योंकि इसके जो स्टेम होते हैं इसमें काफ़ी मॉइस्चर होता है। वेल ड्रेन सॉइल में लगाएंगे, जैसे कि मिट्टी, सैंड और कंपोस्ट, ये तीनों को इक्वल मात्रा में मिक्सचर तैयार करके इसे अगर इसकी पॉटिंग सॉइल तैयार करें तो उसमें ये प्लांट काफ़ी अच्छी तरीके से चलता है। तो वॉन्डरिंग ज्यू के प्लांट को भी एक हार्डी प्लांट लिस्ट में आप रख सकते हैं। बहुत ही ईजी टू ग्रो है, हर कोई इसे लगा सकता है और गार्डन को खूबसूरत बना सकता है। इसके बाद जो फोर्थ नंबर में जो प्लांट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है फ्रेंड्स ये पैंडानस। ये प्लांट भी काफ़ी हार्डी है, स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ड्यूरेबल प्लांट है, बहुत ज़्यादा हार्डी एक तरह से मैं कह सकती हूँ, क्योंकि काफ़ी कुछ मैंने इस प्लांट के साथ एक्सपीरियंस में पाया है कि इसे आप तेज़ धूप में रख लीजिए, आप इसे इंडोर रख लीजिए, पानी कम दीजिए, ज़्यादा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट तो बिल्कुल भी नहीं रखता है। 3-4 साल से मेरे गार्डन में ये प्लांट है बट मैंने अभी तक इस प्लांट में पेस्ट अटैक भी नहीं देखा है। तो बहुत ही इजी टू ग्रो और हार्डी प्लांट में से एक है, इसलिए पैंडानस के प्लांट को भी आप ग्रो कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगा और बिगिनर्स के लिए सबसे अच्छा प्लांट है। फिफ्थ नंबर में प्लांट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है फ्रेंड्स ये पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर लगता है, गार्डन में एक खूबसूरत सा पर्पल कलर ऐड हो जाता है और कोई केयर इस प्लांट की नहीं करनी पड़ती है। और इस प्लांट को आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और आप मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। कई बार मैंने देखा है कि इसमें अगर पानी आप देना भूल जाते हैं कई कई दिनों तक तो भी ये प्लांट ख़राब नहीं होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से चल जाता है और सर्वाइव भी काफ़ी आसानी से कर लेता है। इसे हैंगिंग बास्केट में अगर आप लगाएंगे तो हैंगिंग बास्केट में भी ये प्लांट काफ़ी अच्छी तरीके से चलता है।
और फ्रेंड्स, इस प्लांट के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं, आउटडोर भी ग्रो कर सकते हैं। बट कंप्लीट शेड में अगर आप इसे ग्रो करेंगे तो इसका पर्पल कलर चला जाता है, जो कि ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आप इसे धूप में रखेंगे तो इसका जो पर्पल कलर है वो एकदम से खिल के आता है, एकदम से उभर के आता है। तो आप दोनों ही कंडीशन में इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। छठे नंबर में जो प्लांट फ्रेंड्स आप ग्रो कर सकते हैं वो है फ्रेंड्स ये कॉस्मोस। कॉस्मोस सीड्स के द्वारा ग्रो हो जाता है काफ़ी आसानी से। इसके सूखे हुए जो ये फूल है वहीं पे इसके सीड्स होते हैं, और समय के साथ साथ इसे आप ग्रो कर सकते हैं। इसके बारे में भी प्रॉपर वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है, डिटेल्स अगर जानना हो तो मेरा वो वीडियो आप देख सकते हैं। और बहुत ही हार्डी है, बहुत इजी टू ग्रो है। मैंने तो कम्प्लीटली ये प्लांट फ्री में ही ग्रो किया है। आप भी अगर चाहें तो इसे फ्री में ग्रो कर सकते हैं। कहीं आपको ये प्लांट दिखे उसके सीड्स कलेक्ट करिए, लाके मिट्टी में छिड़क दीजिए और ये पौधा बनके तैयार हो जाएगा। कोई कंडीशन ये पौधा नहीं रखता है, इजी टू ग्रो है। धूप में भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है और थोड़ी सी शेमी लाइट में भी ग्रो हो जाएगा। लेकिन बट फूल खिलने के लिए जैसे आप सभी को पता है कि कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप चाहिए ही चाहिए होती है, तभी फूल खिलते हैं। अच्छी कंडीशन में प्लांट ग्रो होता है, अच्छी तरीके से ग्रो होता है। तो ये प्लांट को भी आप अगर आपकी बालकनी में 3-4 घंटे की धूप आती है तो भी ग्रो कर सकते हैं, अदरवाइज इसे टेरेस पे कंप्लीट धूप में ग्रो कर सकते हैं। और बहुत ही हार्डी है, इजी टू ग्रो है, कोई मेंटेनेंस करने की इस प्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 7वें नंबर में फ्रेंड्स जो प्लांट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है विंका सदाबहार। ये प्लांट भी काफ़ी हार्डी है, काफ़ी ड्यूरेबल है, सीड्स के द्वारा काफ़ी आसानी से लग जाता है, कटिंग से भी काफ़ी आसानी से लग जाता है। तो इस प्लांट को भी आप लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से लग जाता है। इसमें जो देसी वेराइटी है वो तो सुपर हार्डी प्लांट है, उसको तो कोई केयर नहीं करनी पड़ती है। लेकिन जो हाइब्रिड वाला प्लांट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हाइब्रिड वाले प्लांट है, इन्हें थोड़ा सा पानी से बचाना होता है क्योंकि ओवर वाटरिंग से ये प्लांट ख़राब हो जाते हैं। और बट फ्लावरिंग दोनों में बहुत ही अच्छी होती है। अगर वेल ड्रेन सॉइल बनाएंगे तो ये पानी वाला इशू भी नहीं होता है। तो आप विंका सदाबहार के प्लांट को भी लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी हार्डी, ड्यूरेबल और चीफ प्लांट में से एक है। इसके बाद फ्रेंड्स आप ग्रो कर सकते हैं बोगनविला। बोगनविला भी फ्रेंड्स काफ़ी हार्डी प्लांट है, काफ़ी ड्यूरेबल प्लांट है, कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। और बोगनविला की जो ये देसी वाली वेराइटी होती है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाइट वाला देख सकते हैं, ये काफ़ी सस्ता भी मिलता है। बट मेरा ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये 2 कलर के फूल आते हैं इसमें। अभी जैसे इसमें पिंक दिख रहा है, कुछ कुछ इसमें वाइट भी खिलने लगता है, कुछ ऑरेंज भी खिलने लगता है, 2-3 कलर के फूल इसमें आते हैं। तो इस तरह के जो प्लांट होते हैं ये थोड़ा कॉस्टली आते हैं, तो इस प्लांट को अवॉइड करें। और ये जो देसी वाला प्लांट है, ये वाला बोगनविला का प्लांट आप खरीद सकते हैं, जो कि 30-40-50 रुपये में काफ़ी आसानी से मिल जाता है। तो बोगनविला भी काफ़ी हार्डी है, तेज़ धूप को टॉलरेट करते हुए काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाता है, हीट को बर्दाश्त कर लेता है। पानी अगर कम देंगे, कई कई दिनों तक भूल जाएंगे, तो भी ये बहुत ही अच्छी तरीके से सर्वाइव कर जाता है। तो बोगनविला के प्लांट को भी आप ग्रो कर सकते हैं, जो कि काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाता है। इसमें ही फ्रेंड्स एक और प्लांट मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि है टिकोमा। टिकोमा में ढेर सारी वेराइटी आती है फ्रेंड्स, आप कोई भी वेराइटी आप लगा सकते हैं। अगर आपने ग्राउंड में लगाया तो टिकोमा में आपको कोई केयर नहीं करनी पड़ेगी, बट अगर आपने अगर इसे पॉट में लगाया तो पानी का सिर्फ ध्यान रखना है। अदरवाइज़ ये प्लांट भी काफ़ी हार्डी है, काफ़ी ड्यूरेबल है, काफ़ी अच्छी इसमें फ्लावरिंग होती है। और प्राइस वाइज भी ये 50-60 रुपये में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, वो हमें खुद देखना होता है। जैसे मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर भी किया था कि कैसे नर्सरी से हम सस्ते पौधे परचेज कर सकते हैं, किन बातों का ध्यान में रखते हुए, किन बातों को ध्यान में रख के हम सस्ते पौधे परचेज कर सकते हैं, ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। काफ़ी आसानी होगी जब प्लांट परचेज करने आप जाएं, तो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो टिकोमा के प्लांट को भी आप परचेज कर सकते हैं, लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी हार्डी है और अच्छी फ्लावरिंग करता पूरे साल। फिर इसमें फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा हार्डी, इजी टू ग्रो प्लांट अगर कोई है तो वो है फ्रेंड्स ये टर्टल वाइन। काफ़ी आसानी से छोटी छोटी कटिंग इसकी लग जाती है, इतनी इतनी सी भी कटिंग आप लगाएंगे तो लग जाती है, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। और एक छोटी सी भी कटिंग आपके समय के साथ आपके गार्डन में ढेर सारे पौधे बन जाएंगे उससे, और हैंगिंग बास्केट में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है।
और प्राइस वाइज भी ये बहुत कम होता है, 30-40 रुपए में आपको ये मिल जाए। और पानी बस इस प्लांट को थोड़ा कम देना है। ये प्लांट फ्रेंड्स सेमी लाइट में और इंडोर दोनों जगह चल जाता है, बट इसे कंप्लीट धूप में रखेंगे तो इसकी पत्तियां बर्न होने लगती है, पीली पड़ने लगती है। इंडोर गार्डन के लिए फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। तो आप टर्टल वाइन को भी आप जरूर ही ग्रो करिए। इसके अलावा फ्रेंड्स आप जर्ड लगा सकते हैं, आप लालसा का पौधा लगा सकते हैं। प्राइस वाइज ये भी काफ़ी सस्ते होते हैं, 20-25 रुपए में छोटा पौधा मिल जाता है और बहुत ही ज़्यादा हार्डी भी होता है। तो इस तरह से हार्डी प्लांट लिस्ट और सस्ते पौधे में बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो कि हम अपने आसपास देखते हैं, अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो आज मैंने कुछ ही पौधे आपके साथ शेयर किए, आगे किसी वीडियो में और भी शेयर कर दूंगी। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतने ही। ये सारे ही पौधे फ्रेंड्स प्राइस वाइज 50 रुपीज़ या 60 रुपीज़ से कम ही होते हैं। केयर की बात करें तो इसकी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ पानी पे ध्यान रखना पड़ता है। तो आप इजीली इन पौधों को लगा सकते हैं और अपने गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। बिगनर्स अगर हैं, लगाना चाहते हैं विदाउट केयर में, तो इन सभी पौधों को लगा सकते हैं। यानी ये सारे ही पौधे जो हैं ये ऑलराउंडर प्लांट है, हर कंडीशन, हर स्थिति, हर परिस्थिति में भी ग्रो हो जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको आज का ये पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे आज नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ सब नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।